पिछली बार लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में समझा था, आज अपन लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन अपने आप में इतना व्यापक है कि इसका क्षेत्र निर्धारित करना बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि जहाँ तक इसकी प्रकृति नेचर का प्रश्न है, यह अपने आप में परिवर्तन शील, गत्यात्मक व निरंतर बढ़ते क्षेत्र की व्यापकता के कारण इसके क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। जहाँ तक एक और केवल शासकीय कार्य का क्रियान्वयन यानी सरकार द्वारा वास्तविक रूप से नीति या निर्णयों को लागू करने तक मानते हैं, तो दूसरी ओर इसे प्रबंधकीय क्रियाओं तक यानी प्रक्रियाओं को लोक प्रशासन का हिस्सा माना गया है। अर्थात नीति निर्माण व निर्णयों से लेकर उसे जनता से जोड़ने तक की संपूर्ण क्रियाओं के समग्र रूप को लोक प्रशासन माना है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण
के आधार पर बताया है। मुख्य रूप से इन्हें मुख्य रूप से क्षेत्र को चार दृष्टिकोणों में बताया गया है। व्यापक दृष्टिकोण, जैसा कि शब्द से तात्पर्य है, मुख्य रूप से एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन आदि आदि विचारकों ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को बताया। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल नीति का क्रियान्वयन का ही भाग नहीं होकर नीति निर्माण में नीति निर्माताओं को सूचना जानकारी परामर्श विधि व कानूनी पहलुओं से संविधान के प्रावधानों से व तथ्य आंकड़ों तथा प्रशासन का जन मानस के बीच कार्य करने के अनुभवों, मांगों, पसंदों व जनता की किसी विषय की नीति रीति के लागू करने के संभावित विरोधाभासों से भी अवगत करवाना है। अतः व्यापक दृष्टिकोण से तात्पर्य लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका यानी सरकार एवं वास्तविक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका यानी सरकारी अधिकारी कर्मचारी। व्यवस्थापिका तीनों अंग लोक प्रशासन का हिस्सा है यानी
व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवस्थापिका यानी नीति और निर्णय निर्माण, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के तीनों अंग, शासन के तीनों अंग ही लोक प्रशासन है। वास्तविक रूप से वह व्यवहारिक दृष्टि कौन से परखा जाए, जांचा जाए या अपन जो व्यवहार में सभी देशों में महसूस कर रहे हैं, तो यह दृष्टिकोण पूर्णतः सही लगता है, क्योंकि वास्तविक रूप से नीति की रूपरेखा, उसका प्रस्ताव, रूपरेखा उसकी प्रस्तावना, नीति की रूपरेखा उसकी प्रस्तावना और उसके प्रावधान का कच्चा चिट्ठा सभी पहलुओं का अध्ययन कर प्रशासन ही मंत्री अर्थात मंत्री परिषद के माध्यम से व्यवस्थापिका के समक्ष रखकर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार शासन के तीनों अंगों को लोक प्रशासन का क्षेत्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।